जनपद अम्बाला के शाहपुर में डायरिया से 29 बीमार और 20 घरों में डेंगू का लार्वा। अम्बाला कैंप से सटे गांव शाहपुर में डायरिया ने अपने पैर पसार लिए। गांव के वाल्मीकि बस्ती में सदीक बीमारी से दो लोगों की मौत के बाद 29 से ग्रस्त मरीजों में दहशत का माहौल है, लेकिन स्वास्थ्य विभाग जलापूर्ति विभाग की टीम में हड़कंप मच चुका है। आनंद फानंद में टीमें गठित कर इलाकों में ORS और क्लोरीन की टेबलेट बांटी गई है। जांच के बाद टीम को 29 डायरिया से ग्रस्त केस मिले और पीने के पानी के भी सैंपल लिए गए हैं। एक्चुअली ये अम्बाला कैंट में शाहपुर गांव है और यहाँ 3-4 दिन पहले जो डायरिया के केसेस आए तो इसको कंट्रोल करने के लिए यहाँ कैंप लगाया गया ताकि ये डायरिया जो फैल रहा है उसको कंट्रोल किया जा सके। अब तक डायरिया के कितने केसेस आ चुके हैं? डायरिया के केसेस जो आ चुके हैं अब तक तकरीबन 15 से 20 केस ऐसे आ चुके हैं डायरिया के जो अब अंडर कंट्रोल हैं, जो अब ठीक है। और आपको कितने दिन हो गए यहाँ पे कैंप लगाए हुए? मैडम कैंप लगाते हुए हमें 3 दिन हो गए हैं यहाँ पे कैंप लगाते हुए और अब स्थिति बहुत जो है सुधर चुकी है आपसे। जैसा कि मैंने अभी सुना था कि डायरिया से किसी पेशेंट की डेथ भी हुई है। जो आपने सुना था कि डायरिया से एक व्यक्ति की मृत्यु हुई है, वो पहले ही PGI से अंडर ट्रीटमेंट था और उसे लीवर की डिजीज़ थी, तो रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी उसके प्रॉब्लम थी, जो हमें पता लग रहा है सूत्रों से, जो हमें पता लगा है और जो रिपोर्ट से उसे पता लगा है। तो उस दौरान उसे डायरिया हुआ, तो उस दौरान जो इन्फेक्शन थी उसकी, इस वजह से उसको जो है उसकी डेथ हुई और वो ओल्ड एज भी थे काफ़ी। और अब तक लार्वा प्यूपा के सैंपल कितने भरे गए हैं? मैडम लार्वा प्यूपा के सैंपल यहाँ अनगिनत भर चुके हैं, जगह जगह से लिए जा रहे हैं वाटर के सैंपल जो लिए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि एक जगह से या दो जगह से, पूरी टीम जो है पूरे गांव में घर घर जा रही है और वहाँ से सैंपल ले रही है और आज भी सैंपल लिए गए हैं, जो कि सैंपल आज ठीक आए हैं, आज पानी क्लीन है। अभी अभी सुबह सुबह भी सैंपल लिए गए, मैंने अपने सामने सैंपल भरवाया और उसको टेस्ट कराया जो कि बिल्कुल ठीक है। और अब तक क्लोरीन की कितनी टैबलेट्स पड़ चुकी है? मैडम क्लोरीन की टैबलेट्स जो है सारे गांव में हर घर में घर घर जाके बांट रहे हैं, घर घर जाके एक एक घर में। आगे के लिए गांव वालों को क्या संदेश देना चाहोगे? आगे के लिए गांव वालों को मैडम यही संदेश देना चाहते हैं कि जब भी कोई भी ऐसी दिक्कत हो जल्दी से जल्दी स्वास्थ्य विभाग को सूचना दें ताकि इस तरह की कोई भी इमरजेंसी की स्थिति पे तुरंत काबू पाया जा सके। आज कितने केसेज है वोमिटिंग के और डायरिया के? मैडम आज जो केसेज है वोमिटिंग और डायरिया के जो है, आज सिर्फ एक केस आया है, वो भी कोई सीवियर नहीं है, वो भी माइल्ड केस है। किस डिपार्टमेंट से हो? नोटिस कर रहे हो, किस चीज़ के कर रहे हो? ये मलेरिया डेंगू का सर्वे चल रहा है, इसमें हम लोग घरों में जाके उनके गमले, उनके फ्रिज और कूलर टैंकी वगैरह सारा कुछ चेक कर रहे हैं। उन्होंने कहीं पानी का रख रखाव किस तरह से रखा हुआ है। ये अब तक कितने लार्वा प्यूपा के कितने सैंपल भर चुके हैं अभी तक के? हमने यहाँ पे 4 सैंपल कल भरे थे और 3 आज हो चुके हैं। और यहाँ पर जैसे कि डायरिया से 2 डेथ हुई हैं, उसके ऊपर क्या कहना चाहिए? वो एक्चुअली हमारे उससे नहीं है, हम देखा भर तो पब्लिक हेल्थ का वो है। और अब तक डेंगू के कितने केसेस आ चुके हैं अम्बाला के अंदर? डेंगू के अंदर आज तक 4 अभी 3-4 केसेस आ गए। कहाँ के हैं, लोकल हैं कि बाहर? लोकल हैं, वो भी बाहर से आए, बाहर से आए हैं। तो कहीं लुधियाना गए, कोई जलंधर गया, कोई यूपी गया, दिल्ली गया, वहाँ से आगे बीमार पड़े बाहर से यहाँ की कोई। और अभी तक आपको कितने दिन का अवसर दे रहे? ये भी हमारे यहाँ कल का अवसर